हाय दोस्तों, आज हम बनाएंगे मछली का कबाब। इसके लिए चने का दाल लेते हैं, इसमें हम सीटी लगा देते हैं। हमने मछली को धो लिया है, इसमें भी हम पानी डाल के इसको उबालने के लिए रख देते हैं। चम्मच नमक डाल के जब तो मसाले हम तैयार करते हैं। हमने जीरा मिर्च लिया है, सौंफ लिया, दालचीनी लिया, लहसुन लिया, थोड़ा प्याज ले लिया है और थोड़ा सा हमने अदरक ले लिया। इन सबको हम बारीक पीस लेते हैं। सारे मसालों को हम पीस के रख लेते हैं। मछली हमारी हो गई है, इसे भी हम ठंडा कर लेते हैं और मछली के हम छिलके निकाल लेते हैं और उसके सारे कांटे भी निकाल लेते हैं हम। और चने की दाल भी हमारे हो गए, इसको ठंडा करने के लिए रख देते हैं। इसको मशीन में बारीक हम पीस लेते हैं। हमको दोनों अलग अलग पीसना है, मछली को भी अलग करना है पीसना है और दाल को भी। कांटे पहले निकाल लेते हैं इसके। हमने तेल में 5-6 मिर्च हरी फ्राई कर लिया, इसमें मसालों को ऐड कर लेते हैं। इसको अच्छे से हम भून लेते हैं। अभी हम डालते हैं 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच हल्दी डालते हैं और फिर अच्छे से हम भूनते हैं। चने की दाल हमारे ठंडे हो गए, इसको हमने बारीक पीस लिया है सूखा और मछलियों को भी हमने पीस लिया है। मसाले हमारे भून के इन सबको ऐड करके अच्छे से हम भून लेते हैं। इसमें चने की दाल को भी डालते हैं और मछली को भी डाल देते हैं। इसको अच्छे से हम भून लेते हैं। हम फ्राई करते हैं। हम थोड़ा सा धनिया डाला है, हरी धनिया डाल दी हमने। उसको इसको गोल गोल कर लेते हैं ठंडा होने के बाद और उसको तेल में हम फ्राई कर लेते हैं। बहुत ही टेस्टी और लाजवाब बनी है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो पसंद है लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। इसको धीमे धीमे आज पर हम भून लेते हैं। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही लाजवाब बना है, आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो पसंद है लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू दोस्तों।